नमस्कार, मैं हूं रसराज और आप देख रहे हैं वर्साटाइल रसराज। हमेशा की भांति आज भी मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं और आज की कहानी का शीर्षक है मोम का शेर। सालों पहले की बात है जब राजा एक दूसरे के साथ ही कुछ पहलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर लेकर गया था। राजा ने पहली के साथ एक पैगाम भी भेजा था और पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब ये पहले सुनकर मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सके। पहले के साथ साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी होगी। यह सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखा और पूछा, है कोई इस दरबार में जो कि इस पहेली को सुलझा सके। लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव भला कैसे हो सकता है कि छुए बिना शेर को बाहर निकाला जा सके। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल के आने का एक संदेश भिजवाया, लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में पड़े रहे कि आखिर ये संभव कैसे है कि पिंजरे को छुए बिना शेर को बाहर निकाला जाए। रात को अच्छी नींद भी नहीं आई उन्हें। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी वही खाली देखकर राजा फिर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है। इतने में एक दरबान सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहले को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने लगी, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर अकबर खुश हो गए, लेकिन चेहरे पे मायूसी थी। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो, वो भी बिना छुए? बीरबल ने कहा, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूं। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई भी नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने
अकबर से कहा कि उन्हें दो सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल लोहे की छड़ हाथ में लिए तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही धीरे धीरे पिघलने लगा, क्योंकि वो तो मोम का शेर था ना। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। तो अब बीरबल की इस अकलमंदी पर खुश होकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर जो शेर है वो मोम का है? बीरबल ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, हजूर बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी तो नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघला कर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहली लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा हुआ राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद उस राजा ने ऐसी पहली भेजना छोड़ ही दिया। अब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकलमंदी से सब कुछ संभव है। हर जगह बल नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अब अंत में मैं यही कहूंगा कि दुआओं के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, आपके लव्ड वन के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।